चीन कम था जो नेपाल ने भी भारत की बैंड बजा के रख दी। दो भारतीय फौजी इलाकों कई को गिरफ्तार कर लिया ने। जराई की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बाद नेपाल फौजी ने भी भारत फौज पर हमला कर दिया। नेपाली फौजी के हमले में दो भारतीय फौज हलाक होने की इतला है। दोनों मुल्कों के माहम बॉर्डर पर तसादम के नतीजे में एक भारतीय फौज की जख्मी होने की भी इतला है। जराई के मुताबिक जख्मी भारतीय फौजी को नेपाली फौजी ने गिरफ्तार भी कर लिया। दूसरी जानब भारतीय मीडिया ने नेपाली सरहद पर भारतीय फौजों की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नेपाल फौजी ने अचानक फायरिंग की जिसके बायस भारतीय फौजी हलाक हो गए। भारत ने भी जवाबी फायरिंग की, ताहम नेपाली फौजी का कोई नुकसान नहीं हुआ। नेपाल ने एक भारतीय फौज को गिरफ्तार भी कर लिया था। 23 मई को भी नेपाल ने भारतीय फौज को 15 अहलकारों को गिरफ्तार कर दिया। सरा झड़पों में कुछ भारतीय फौज को जख्मी भी हुए थे और नेपाली फौज ने भारतीय फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। सरहद पर फौजी भारतीय फौज भागने पर मजबूर हो गए थे। भारत इस वक्त चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ चीन ने लद्दाख पर भारत में घुसकर भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया तो दूसरी जाने नेपाल ने भी भारत फौजी को गिरफ्तार कर लिया और तीसरी जाने एलओसी के खिलाफ वर्जी पर पाक ने भारत को नाको चने चबवाए। नेपाल ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि उसका मुकाबला करेंगे।